हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका, आप सभी का। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 4 शब्द और वाक्य के बारे में पढ़ेंगे, यानी अंग्रेजी में वर्ड एंड सेंटेंस। बेटा, आप लोग के किताब में दिया है, बुक में पाठ 4 है। बच्चों, आज हम जानेंगे शब्द विचारों के विषय में। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य कैसा प्राणी है, एक सामाजिक प्राणी है तथा वह अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए उसे शब्दों की आवश्यकता होती है तथा बोलते समय वह कुछ ध्वनियों को यानी ध्वनियों का सहारा लेता है और ये ध्वनियाँ कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, वर्ण तथा वर्णों के मेल। तो वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों वर्णों के वर्ण तथा वर्णों के मेल से ही शब्दों का निर्माण होता है। अतः हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, यानी वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनता है। तो चलते हैं, हम पढ़ते हैं। इस बुक में दिया है वर्णों यानी अक्षरों को जोड़कर शब्दों का निर्माण होता है। प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ भी होता है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। यानी प्रत्येक शब्द का क्या होता है, अपना एक अर्थ भी होता है। आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, जो कुछ फिगर दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे दिया है आप लोग का अ प्लस द र क, यहाँ पे शब्द क्या बने, वर्णों को, ये अलग अलग अक्षर हैं, ये अक्षरों से मिलकर क्या बना, एक शब्द बना। यानी वर्णों के समूह से क्या बना, अदरक शब्द बन गया। यहाँ पे दिया है अ प्लस, ये होटल का चित्र दिया है, ह प्लस ओ ट ल, ये अक्षरों से मिलकर क्या बना है, शब्द होटल। तो ये हुए आपके वर्णों को मिलाकर शब्द बने, यानी वर्णों के समूह से क्या बने, शब्द जो सार्थक हैं, यानी इसका कुछ न कुछ अर्थ होता है। तो अब हम आगे चलते हैं। दिया है ऊपर के वाक्यों में, दिया है ऊपर अदरक और होटल दो शब्द हैं, इनका एक अर्थ भी है। तो अब हम आगे चलते हैं पढ़ने। यहाँ पे दिया है परिभाषा, परिभाषा दिया है दो या दो से अधिक अक्षरों के जोड़ से शब्द यानी वर्ड बनते हैं, ये शब्द सार्थक होते हैं। जैसे दिया है स्क्रीन पे आप लोग का, कलम, तलवार, कंप्यूटर, नर्स, ये आप लोग का फिगर दिखाई दे रहा है, कलम, तलवार, कंप्यूटर और नर्स, जो शब्दों के क्या हैं, कुछ अर्थ हैं, यानी सार्थक शब्द हैं जिनके कुछ अर्थ निकलते हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। अब शब्दों से क्या बना है, वाक्य पढ़ते हैं आगे। वाक्य यानी अंग्रेजी में सेंटेंस भी बोलते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से वाक्य यानी सेंटेंस का निर्माण होता है। जैसे फर्स्ट नंबर है, बिमला चित्र बनाती है, यानी यहाँ पे अगर अलग अलग हम शब्द भी करेंगे, बिमला प्लस चित्र, ये अलग अलग हुए, फिर ऐसे ही प्लस बनाती प्लस है, इन सब शब्दों को जोड़कर क्या बना है, एक वाक्य बना है, यानी बिमला चित्र बनाती है। तो ये शब्दों को जोड़कर क्या बनाया गया है, क्या बनता है, वाक्य बनता है शब्दों को जोड़कर, और वर्डों को जोड़कर क्या बनता है, शब्द बनता है। अब सेकेंड नंबर हम चलते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे है, ये गाय का चित्र दिखाई दे रहा है जो दूध दे रही है। सेकेंड नंबर यहाँ पे है, गाय गाय दूध देती है,
यहाँ पे आप लोग ये फिगर देख रहे हैं, गाय दूध देती है, शब्दों को जोड़कर क्या बना है, वाक्य बना है। ये हो गया आपका। अब थर्ड नंबर पे हम चलते हैं, जो फिगर आप लोग को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे थर्ड नंबर है। बच्चे गेंद खेलते हैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये फिगर, बच्चे गेंद, दो बच्चे हैं जो गेंद खेल रहे हैं। फोर्थ नंबर है, धोबी कपड़े धोता है, यानी शब्दों से मिलकर क्या बना है, वाक्य बना है, धोबी कपड़े धोता है। फाइव नंबर है, ताजमहल कितना सुंदर है, ये शब्दों से मिलकर वाक्य बना है। तो बच्चों आज हमने जाना शब्द और वाक्य के बारे में, वर्डों से मिलकर शब्द बनता है और शब्दों से मिलकर क्या बना है, वाक्य बना है। तो ये आपका हो गया पार्ट चार यानी चैप्टर फोर, जो हमने जाना शब्द और वाक्य के बारे में। धन्यवाद। अब हम पढ़ेंगे इसके प्रश्नोत्तर।